मसला ये इस वक्त जो एहतजाज करने का मकसद ये है कि जो फ्रूट से लदी हुई गाड़ियाँ हैं इनको ये पाँच पाँच छः छः सात सात दिन रोकते हैं हाईवे पर, काजीगोड़ में, लेवडारा में, टनल पर और उसे आगे भी, ताकि अगर ये माल वहीं पर रुक गया पाँच पाँच छः छः दिन तो हमारी माल की क्वालिटी एक तो कम हो जाएगी, खराब हो जाएगी, और दूसरा ये वहाँ जो जवाहर है वहाँ के वहाँ पर ये नहीं पूछ पाएगा वक्त पर। इसी तरह जो वहाँ से हमारी सब्जी से लगी और फ्रूट से लगी गाड़ियाँ आ रही है उनको भी हम का उधमपुर में रोकते हैं, और जब श्रीनगर में वो पहुँच जाता है माल वो भी सटकर पहुँच जाता है। दोनों तरफ से बड़ा नुकसान है, चाहे सब्जी हो फ्रूट हो। इस वक्त फ्रूट का यहाँ बड़ा जबर पीक सीजन है और हमारी यही मांग है कि ऑन प्रायोरिटी बेसिस पर सब्जी हो या फ्रूट हो उनको आगे जाने की इजाज़त दी गई है। और हमारी गाड़ियों को 20-20 दिन में एक एक चक्कर लगता है। हमारी गाड़ियाँ बैंक फाइनेंस है, वो इधर सिर्फ 20 दिन में एक चक्कर लगाती है, जिसमें हमारी गाड़ियाँ काजीगुंड में 5-6 दिन रुकते हैं कार्रवाई में, उधर जम्मू से 5-6 दिन कार्रवाई में रुकती है। हमारा नुकसान हो रहा है। हमारी गाड़ियों को 10-10, 15-15 लाख रुपये बैंक फाइनेंस है, हमारा फाइनेंस भी पूरा नहीं होता है। 5-5 दिन बेवजह गाड़ियों को रोकते हैं। हम गवर्नमेंट से पुरजोर अपील करते हैं वो कार्रवाई एक दिन उधर से छोड़े, एक दिन इधर से, कोई जाम नहीं हो जाएगा।